हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ आशीष। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जो भी हमारे जो नए व्यूअर अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं पता, तो मैं उनको बता दूं कि मैं मोस्टली जब भी फ्राइडे को मूवीज का रिव्यू करता हूं, तो मैं एक से दो मूवी का रिव्यू एक ही साथ एक ही वीडियो में करता हूं। इसकी वजह सिर्फ यही है कि मैं कहीं पे जॉब करता हूं, जॉब के बाद मैं हाफ डे से फ्राइडे को हाफ डे लेता हूं, फिर वहां पे जाने के बाद मैं मूवी देखता हूं, फिर मूवी से आते आते लगभग देखो अभी तकरीबन आपको टाइम बता दो 8:40 हो जाने के। मैं यहां पर बात करने वाला हूं आज रिलीज हुई दो फिल्मों के बारे में, जिसका नाम है एक तो मोतीचूर चकनाचूर, जिसमें हमें नजर आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अतिया सेट्टी। उसके अलावा जो दूसरी मूवी पिक्चर का नाम है मर जावा, इसमें हमें नजर आते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, रितेश देशमुख और तारा सुतारिया। तो ये दोनों ही फिल्मों में से आप लोगों को कौन सी फिल्में देखनी चाहिए इस हफ्ते, अगर आप लोग फ्री है आपके पास पैसा है तो, क्योंकि आजकल जो फिल्में बन रही है मैं आपको सच बता रहा हूँ 90% तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पैसा वेस्ट कर रही है लोगों का, और जो बची कुछ 10% है वो सिर्फ आयुष्मान खुराना या राजकुमार राव की फिल्में ही निकलती है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ दम जितने भी बड़े नाम है या जो भी बॉलीवुड में बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है वो डब्बा गुल्ली हो रही है और लोगों का पैसा वेस्ट ही हो रहा है। तो चलिए जानते हैं कि इन दोनों में से कौन सी फिल्म आपको इस हफ्ते देखनी चाहिए। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट ये करूंगा कि वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब, और हाँ अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस करके जो ऑल का ऑप्शन उसे क्लिक कर देना। तो ज्यादा समय ना लेते शुरू करते हमारा आज के वीडियो। वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। इस हफ्ते जो हम लोग पहली मूवी के बारे में बात करेंगे वो मेरे फेवरेट एक्टर है नवाज भाई के बारे में बात करेंगे, नवाज भाई की फिल्म मोतीचूर चकनाचूर के बारे में बात करेंगे। इस मूवी में हमें नवाज भाई के साथ फीमेल लीड कास्ट में नजर आती है अतिया सेट्टी। अतिया सेट्टी की मैंने इससे पहले कोई भी फिल्म नहीं देखा हूं, मैं यहां पर आप लोग क्लियर कर देता हूं। तो मेरे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था उनकी फिल्म देखने का, और मैं आप लोग से इतना ही बोलूंगा, स्टोरी बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा, दोनों ही एक्टर्स ने अपना जो हिस्से का काम था बहुत ही रियलिस्टिक वे में किया, बहुत ही अच्छा किया। मतलब कहीं पे भी दोनों भी ओवर एक्टिंग करते हुए नजर नहीं आते, मतलब जितना उनका काम था उतना उन्होंने दोनों ने ही परफेक्ट निभाया। कहानी की बात हो तो कहानी सिंपल सी यह है कि भोपाल में रहने वाले पुष्पेंद्र त्यागी यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अब उनकी उम्र 36 हो चुकी है और उनको अब अकेलेपन को दूर करना, उन्हें शादी करना, मगर उनको कोई लड़की मिल नहीं रही। तो अब उनका यह है कि अब वो कोई भी लड़की जो भी मिलेगी उससे शादी कर लेंगे। और अगर अतिया सेट्टी की बात करें तो अतिया सेट्टी ने यहाँ पे रोल प्ले किया अनीता का। अनीता भी भोपाल में रहती है, पुष्पेंद्र त्यागी की पड़ोसी है, वो भी शादी करने आती है मगर वो किसी NRI बंदे से शादी करने आती है, जिसकी वजह से उसको बाहर जाने का विदेश जाने का मौका मिलेगा। अब वो विदेश जाना चाहती है और अपनी दोस्तों पे एक रॉब भी जमा जाती है कि देखो मैं लड़के से शादी की है, लेकिन ऐसा होता है कि उसे कोई भी ऐसा लड़का मिलता नहीं है। तो उसकी मौसी उसे बोलती है तो क्यों ना पुष्पेंद्र जो अपना पड़ोसी है उसके शादी का सोच, क्योंकि वो भी दुबई में नौकरी करता है, तो शायद वो तुझे शादी करके दुबई लेके चले जाएगा। तो अब दोनों ही एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद क्या होता है कि नवाज भाई की जो दुबई की जो जॉब होती है वो जॉब छूट जाती है। तो उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट आता है ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मोतीचूर चकनाचूर। अब मैं आपको बात करता हूं तो दोनों ही परफॉर्मेंस, जैसे आपको पहले ही बोले कि परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही एकदम जबरदस्त परफॉर्मेंस, कहीं पे भी आपको बोर होगा नहीं इनका परफॉर्मेंस। हाँ अगर इस मूवी की जो मैं अच्छी बात करूं तो अच्छी है कि एक छोटी कहानी है और बिल्कुल सिंपल सी कहानी है और बिल्कुल सिंपल तरीके से डायरेक्शन भी किया गया। आपको कहीं कहीं पर बहुत हंसी आती है, कहीं कहीं पर आपको थोड़ा सा बोर फील होता है, लेकिन इस मूवी की जो सबसे वीक पॉइंट है वो है इसका लेंथ। ये मूवी को तकरीबन 20 से 25 मिनट अगर शॉर्ट किया जाता तो ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छी होती और देखने में मजा आता, लेकिन सिर्फ लेंथ की वजह से ये मूवी थोड़ी इरिटेट करती है। लेकिन ये फिर भी वन टाइम वॉच तो है, आपको कहीं भी पैसा लगेगा नहीं कि आपका पैसा वेस्ट हुआ। और अगर आप नवाज भाई को कुछ अलग रोल में देखना चाहते हैं, यानी कि उनके टिपिकल गैंगस्टर वाले या गाली गलौज वाले रोल से हटकर आपको अगर नवाज भाई को कोई अलग रोल में देखना पसंद करोगे तो ये मूवी बिल्कुल आपके लिए। ये मूवी देखकर आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये मूवी बहुत बेस्ट है, लेकिन ये मूवी फिर भी ठीक ठाक है, डिसेंट है। अगर आप छोटी सिंपल सी कहानी देखना पसंद करते हो तो ये कहानी बिल्कुल आपके लिए। तो इस हफ्ते रिलीज हुई दूसरी फिल्म जिसका नाम है मर जावा, इस मूवी में हमें नजर आते सिद्धार्थ मल्होत्रा, रितेश देशमुख, रकुल प्रीत सिंह और तारा सुतारिया से डायरेक्ट किया मिलन मिलाप जवेरी ने। अगर मैं कहानी की बात हूँ तो कहानी से पहले मैं आपको सिंपल सी छोटी सी एक बात बताऊंगा। छोटी सी बात यह कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि कोई कोई इंसान ऐसे होते जो पत्थर को भी सूते तो सोना हो जाता है, और कुछ कुछ इंसान ऐसे होते जो सोने को भी छूते तो वो पत्थर बन जाता। सिद्धार्थ मल्होत्रा की कुछ इसी तरीके से हाल है। अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा की आप करियर पे ध्यान दोगे तो गिनती की उनकी फिल्म है जो हिट हुई थी, मेरे हिसाब से तो उनकी एक ही फिल्म हिट हुई थी, वो है एक विलन। स्टूडेंट ऑफ द ईयर की बात मैं नहीं कर रहा क्योंकि उनकी वो डेब्यू फिल्म थी, डेब्यू फिल्म वो अच्छी चली थी, लेकिन फिर भी अगर उनकी मैं
सोलो हिट की बात करूं, लेकिन यहाँ पर भी उनका साथ निभाए थे रितेश देशमुख में। और उस फिल्म में अगर आपने गौर किया होगा तो रितेश देशमुख के परफॉर्मेंस को लोगों ने बहुत पसंद किया था एक विलन की। तो मेकर्स ने वही जोड़ी को यहाँ पर दोहराने की कोशिश की कि मर जावा यानी रितेश देशमुख और सिद्धार्थ मल्होत्रा से। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जो कहानी है, कहानी बहुत सिंपल है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे बनाया ना, वो जो बनावट है वो खराब है। यानी कि जो एक लय में फिल्म चलना चाहिए वो लय में बिल्कुल भी नहीं चलती है। इंटरवल तक तो आपको ये फिल्म देखने में बहुत मजा आती है, लेकिन इंटरवल के बाद ये फिल्म एकदम ठंडी पड़ जाती है। फिर मैं आपको कहानी बता था, कहानी ये कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस मूवी में रोल प्ले किया रघु का। रघु को एक गुंडे ने यानी कि अन्ना ने पाल के बड़ा किया, तो अन्ना के साथ वो काम करते हैं और अन्ना उनको बहुत पसंद करता है। लेकिन अन्ना का जो बेटा है यानी कि विष्णु, जिसके यहाँ पे रोल प्ले किया है रितेश देशमुख में, वो हाइट में थोड़ा बौना है, तो वो सोचता है कि इसी वजह से मेरे जो डैड है अन्ना वो मुझे पसंद नहीं करते, वो रघु को ज्यादा पसंद करते, तो इसीलिए वो रघु से जलता है अंदर ही अंदर, वो किसी भी तरीके से रघु से बदला ले जाता है। अब आगे बढ़ती कहानी, कहानी में ये बताया कि रघु को अपनी ही बस्ती की एक लड़की जोया से प्यार हो जाता है, जो कि मुंह से बोल नहीं पाती है। और दूसरा एंगल ये है कि अब रकुलप्रीत सिंह का रोल क्या है, रकुलप्रीत सिंह यहाँ पे एक बार डांसर का रोल प्ले किया जिसका नाम है आरजू, वो रघु से प्यार करती है। कहानी में आगे क्या बताया, कहानी में आगे ये बताया किस तरीके से विष्णु रघु से बदला लेता है और वो अपने बदला लेने में कामयाब होता है या नहीं होता है, बेसिकली यही कहानी। तो अब आप लोग समझ चुके कि इस तरह की कहानी हमने पहले भी देख चुके थे। इस मूवी को बनाने की वजह क्या थी, मूवी को बनाने की वजह ये थी कि आजकल लोग चूतिए हैं, लोगों क्या है, हाँ यार इसमें तो सिद्धार्थ मतलब रितेश देशमुख यार एक विलन जैसा मजा देखने को मिलेगा। और प्लस जो गाने हैं, गाने तो पुरानी पिक्चरों के गाने, लेके रिमिक्स डाल दो उसमें, नुहा फतेह को डांस करवा दो और थोड़ा रिमिक्स म्यूजिक डाल दो, गाने तो हिट हो जाएंगे। और पब्लिक एक बार भी अगर देखने आ गई तो टिकट्स के रेट इतने ज्यादा है कि जो हमने फिल्में बनाई उससे 10-12 करोड़ रुपए हमको ज्यादा मिल ही जाएंगे, तो प्रॉब्लम क्या है। तो इस वजह से वो फिल्म बना रहे थे। और ये फिल्म मैं बता रहा हूँ ना, ये फिल्म एकदम खराब भी नहीं है दोस्तों, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये फिल्म एक बार देख सकते हैं, वो भी कौन देखेगा जिनको एक अलग तरीके के डायलॉग देखना पसंद है, साउथ मूवी की तरह एक्शन देखने को पसंद है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए नहीं, रितेश देशमुख के फैंस ये मूवी को हिट करेंगे, क्योंकि रितेश देशमुख का काम अच्छा है, मतलब वो एक लोगों को मतलब हंसाते हैं, कॉमेडी काम, मतलब उनका जो रोल है बहुत ही फनी लग रहा था मुझे। सिद्धार्थ मल्होत्रा की बात करूं, सिद्धार्थ मल्होत्रा बहुत कोशिश करता है, बेचारे की फिल्म चल नहीं पाती, पता नहीं उसके क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कोशिश बहुत करता बंदा। इस फिल्म में भी सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहीं पे भी कसर नहीं छोड़ी कोशिश करने में, लेकिन फिर भी जो रोल है जिस तरीके से होना चाहिए था वो रोल इनके ऊपर सूट नहीं हुआ। अगर इसके अलावा कोई दूसरा दमदार एक्टर होता जिसके पास जो फाइट सीक्वेंस है और जो डायलॉग डिलीवरी करने का जो स्टाइल है, वो अगर कोई दूसरा एक्टर होता तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा लगता, वो सिद्धार्थ मल्होत्रा पे थोड़ा सा कम हो गया। तो ये मूवी सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए नहीं थी, हाँ रितेश देशमुख के लिए बिल्कुल थी। रितेश देशमुख ने अपना 100% देने की कोशिश की गई। और तारा सुतारिया की बात करूँ तो तारा सुतारिया का भी परफॉर्मेंस अच्छा है, रकुलप्रीत सिंह का इतना कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं और उनको कुछ इतना खास मौका मिला भी नहीं है। तो कुल मिला के ये मूवी मेरे हिसाब से एक डिसेंट मूवी है, मतलब ना खराब है ना ज्यादा अच्छी है। अगर आप लोग को ये मूवी देखना है तो मैं सिर्फ आपको इतना बोलूंगा, अगर 100 रुपए की या 120 रुपए की टिकट मिल गई तो मर जाओ जाके देख सकते हो, इसके गाने आपको पसंद आएंगे। अदरवाइज अगर महंगी टिकट है तो ये फिल्म को आप लोग अवॉइड कर सकते हो। तो यार इस वीडियो में इतना, अगर आपको दो वीडियो पसंद आए तो वीडियो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, टिल देन बाय।